दोस्तों बात कर लेते हैं हीरो मोटोको के स्टॉक के बारे में, जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज ये स्टॉक ज़बरदस्त गिरावट दिखाते हुए नज़र आ रहा है, तो बात कर लेते हैं अगर आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले भी आप अगर चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं, स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ समय पहले भी हमने ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया था। उस समय पर ये स्टॉक 4000 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन हमने आपको जो टारगेट्स दिए थे उस समय 4500 रुपये तक के दिए थे और कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 5000 तक के टारगेट्स आने का भी वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक ने 5000 तक के टारगेट्स डन कर दिए थे उस समय पर। अभी स्टॉक में एक फ्रेश रिव्यू के लिए कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस स्टॉक पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना फ्रेश रिव्यू। दोस्तों मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री लेने के लिए अभी थोड़ा सा डिप का और वेट कर लीजिए। मुझे लगता है स्टॉक को 5000 रुपये तक आना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी बाइंग स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो लगभग 5200 रुपये स्टॉक को आना ही आना चाहिए। वहाँ से आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 रुपये आने तक बाय ऑन डिप के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें इसका थोड़ा रीजनेबल प्राइस मिल सकता है। दोस्तों जिस तरीके से स्टॉक को सही लेवल पर बाय करना ज़रूरी है, उसी तरीके से स्टॉक में सही लेवल पर एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके टारगेट्स बताऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं एकदम रेडीमेड स्टॉक्स, जिसमें आपको एंट्री लेने के लिए भी सही लेवल गाइड किया जाता है और आपको किस लेवल तक एग्जिट हो जाना है वो लेवल भी आपके साथ शेयर किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़ चुके हैं उन्होंने बनाया है कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा, तो दोस्तों आप भी देर मत कीजिए। अगर आप भी कमाना चाहते हैं कम समय में ज़्यादा पैसा, वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। बात कर लेते हैं इस स्टॉक के टारगेट्स के बारे में, तो आपको दोस्तों इस स्टॉक में इस समय पर आप बाइंग करके होल्ड कीजिए। आपको निश्चित ही इसमें 6200 रुपये तक के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। उसी समय फ्रेश रिव्यू कर लेंगे कि अभी स्टॉक को बेचना है या 6500 आने तक के लिए हमें वेट करना चाहिए। फिलहाल फ्रेश एंट्री लेने के लिए अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, और अगर आप पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। 6200 से 6500 तक के टारगेट्स के लिए आपको डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर पाई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। निसंकोच मैसेज करें, किसी भी स्टॉक में स्टक हो गए हैं उसका नाम, जैसे ही हमारी टीम आपके स्टॉक को पिक करती है आपके लिए लेवल और टारगेट्स ज़रूर शेयर किए जाते हैं। वीडियो अपलोड नहीं भी कर पाते हैं तो ज़रूर हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिएगा वीडियो को शेयर अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में एक और वैल्यूएबल स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।